सोएगा, जागेगा, खाएगा, मोबाइल चलाएगा, फिर सो जाएगा। फिर कभी अगर पढ़ाई की याद आ गई तो रोएगा कि मुझसे नहीं होगा, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। फिर सो जाएगा, फिर जागेगा, फिर खाएगा, फिर मोबाइल चलाएगा। अरे तुमसे ज्यादा बेहतर तो एक जानवर की जिंदगी है। कम से कम उसे इस बात का एहसास तो है कि उसके लिए क्या जरूरी है। टाइम कम है, टाइम निकलता जा रहा है। आज माँ बाप खिला रहे हैं, कल कौन खिलाएगा? कल जब तुम्हारे साथ वाला तुमसे आगे निकल जाएगा, जब वो अपने सपने पूरे कर रहा होगा और तू सड़कों पे पैदल धक्के खाएगा और फिर हमेशा की तरह रोएगा और बहाने बनाएगा कि मेरी तो किस्मत ही खराब थी। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो, किससे झूठ बोल रहे हो? ये दुनिया लोगों की भावनाओं को नहीं समझती, किसी के दर्द को नहीं समझती। अगर एक अच्छी जिंदगी जीनी है, अपने माँ बाप का सहारा बनना है, तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझसे नहीं होगा। अरे तुझसे क्यों नहीं होगा? तू भी तो एक इंसान है, तुझमें ऐसी क्या कमी है? तेरे पास ऐसा क्या नहीं है जो तुझसे नहीं होगा? जो बंदा क्लास में टॉप करता है वो भी तो एक इंसान ही है, उसकी भी तो दो आंखें हैं। लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता क्योंकि तुम पढ़ने के लिए पढ़ाई करते हो, काम चलाने के लिए पढ़ाई करते हो। तुम्हारे लिए पढ़ाई कर लेना ही एक मंजिल है, एक सफलता है, जबकि तुमको पता ही नहीं कि पढ़ाई तो मंजिल नहीं बल्कि मंजिल तक जाने का रास्ता है। जिसका पढ़ाई में मन लगता है उसके कुछ सपने होते हैं, उसका एक लक्ष्य होता है, उसे जिंदगी में कुछ पाना होता है, और वो ये चीज बहुत अच्छे से जानता है कि पढ़ाई का रास्ता ही उसे उस मंजिल तक ले जा सकता है। इसीलिए उसका पढ़ाई में भी मन लगता है और वो टॉप भी करता है। पढ़ाई को मंजिल नहीं रास्ता बनाओ, तब पढ़ाई में मन लगेगा। और जो लोग ये बहाना बनाते हैं कि मोबाइल की वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो याद रखना तुम्हारे अकेले के पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल वो भी चलाता है जो क्लास में टॉप करता है, मोबाइल वो भी चलाता है जिसकी करोड़ों की इंडस्ट्री है। दुनिया में मोबाइल हर इंसान चलाता है, लेकिन उसे मालूम है कि कब क्या करना है, कब मोबाइल चलाना है, कब मोबाइल को नहीं चलाना। अरे तुम जिंदगी में क्या कर पाओगे अगर एक छोटे से मोबाइल ने तुमको अपना गुलाम बना लिया? तुम एक मोबाइल से तो जीत नहीं पा रहे और बातें करते हो बड़ी बड़ी। आंखें खोल लो, अभी भी वक्त है। संभल जाओ, अभी भी वक्त है। और अगर इन सब बातों को सुनने के बाद भी तुम्हारा जमीर नहीं जागा, तो आज के बाद कभी कोई मोटिवेशनल वीडियो मत सुनना। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारे सीने में आग लगा दी है, तुम्हें हकीकत से रूबरू करा दिया है, तो ना इस वीडियो को लाइक करना, ना शेयर करना, और ना ही गलती से इस पर कोई कमेंट करना। बस एक कसम खाना कि आज के बाद बस पढ़ाई करना, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि दिल से पढ़ाई करना। वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि जिसको बात समझ में आनी होगी उसको 2 मिनट में भी आ जाएगी, और जिसको बात समझ में नहीं आनी होगी उसके लिए 2 घंटे का वीडियो भी कम पड़ जाएगा और उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप उन लोगों में से नहीं है, तो अपने सपनों की खातिर जाग जाओ। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।